तो भाई यार ये यार हमारे नदीम भाई हैं भाई, इनको देख सकते हो भाई। ये नदीम भाई बड़े प्यारे हैं भाई, मकराने से आए हैं भाई ये यहाँ पे भाई दिल्ली घूमने के लिए ईद के मौके पर। अब भाई अलग ही तगड़े लेवल का यार सीन क्रिएट कर रखा है, धोती पता नहीं क्या क्या पहने हुए यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। सो आपसे उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। हाँ तो भाई यार अभी यार फिलहाल यार मैं सोकर उठा हूँ मैंने कुछ, और अभी यार जैसे यार मैं सोकर उठा तो यार मैंने कॉल्स वगैरह देखी यार, मेरा कुछ जानकर आया है यार अजमेर वगैरह से यहाँ पे दिल्ली घूमने के लिए, तो यार मेरे को यार उनके पास जाना पड़ेगा। वेलकम बैक हम सबका अंदर ब्लॉग के अंदर। तो अभी तक तुम लोगों ने नहीं किया लाइक और सब्सक्राइब तो बटन से आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी यार फिलहाल यार मैं तैयार यार बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि यार मन नहीं है यार बिल्कुल भी यार तैयार शेयर होने का, ऐसे ही चलते हैं यार सही से यार, आंखें भी नहीं खुल रही यार। चलता हूँ यार आप लोगों को वहीं पर ही मिलता हूँ। अ फ्यू इंचेस लेटर यार जो अभी यार लोग आए हैं भाई वहाँ से यार अजमेर से मकराना से भाई, मैं उनको यार अभी ढूंढता हूँ थोड़ा बहुत भाई। बातचीत हुई, कह रहे हैं भाई वो लेफ्ट हैंड पर है, इधर की साइड देखता हूँ यार, मैं मुलाकात कराता हूँ यार मैं आप लोगों से, उन लोगों की दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। अभी फिलहाल यार मैं उनको इधर ढूंढ लेता हूँ कि यार वो है किधर, इधर की साइड तो यार यहाँ पे है नहीं। मैंने अभी कॉल करी है तो वो कह रहे हैं भाई हॉस्ट के पास खड़े हुए हम लोग, देखता हूँ। दिख गए। अस्सलाम वालेकुम और जनाब सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, सब बढ़िया। ईद मुबारक जनाब। और भाई सब बढ़िया। तो भाई यार ये यार हमारे नदीम भाई हैं भाई, इनको देख सकते हो भाई। ये नदीम भाई बड़े प्यारे हैं भाई, मकराने से आए हैं भाई ये यहाँ पे भाई दिल्ली घूमने के लिए ईद के मौके पर। तो यार जब जब ये यहाँ पे ईद पर आते हैं तो यार मेरे से जरूर मुलाकात होती है इनकी भाई, मैं इनसे जरूर मिलता हूँ। एक बार यार मैं अजमेर गया था बट यार इनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी मेरी। तो भाई यार ये लास्ट टाइम भी आए थे यहाँ पर, तो इनसे भाई काफी अच्छे तरीके से मुलाकात हुई थी। सब बढ़िया रहा ना यहाँ पे? बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? बड़ा मजा आ गया भाई जमा घूम के हम लोगों को। अच्छा, इतनी पब्लिक है, क्या माहौल बना हुआ है आज का भाई, क्या माहौल बना रखा है सही में भाई, इतनी ज्यादा पब्लिक है ना। तो भाई ये कह रहा भाई हमारा तो काफी दिमाग खराब हो गया था यार। बस यार इनको यार एक ही दिक्कत परेशानी हो गई कि भाई ये यार ईद के सीजन पे आ गए, इनको भाई यहाँ पे भाई मटिया मिल पे यार रूम वगैरह नहीं मिल पाया, होटल वगैरह नहीं मिल पाया। इन्होंने कॉल कर दी मेरे पास कल, मैंने उनको बताया कि भाई पहाड़गंज चले गए वहाँ पे आप लोगों को रूम मिल जाए। बस यार ये जरी सी परेशानी हुई इन लोगों को, बाकी और कुछ तो नहीं। खाने पीने की दिक्कत तो नहीं? दिल्ली है भाई, यहाँ पे तो यार सब मिलेगा यार। ये भाई इतनी फेमस जगह है, यहाँ पे असलम का चिकन टिक्का ट्राई करो, पता नहीं क्या क्या है। असलम का टिक्का खाए, कुरैशी का कबाब खाए। अच्छा भाई सब खा पी लिए भाई, ये मजा आ गया यार इन लोगों को। वो गए वसीम भाई, गए यार उनसे लास्ट टाइम मिला था मैं यार, होटल पे चले गए। अच्छा वो होटल पे चले गए। तो भाई यहाँ का मौसम देख सकते हो यार एक बार यार किस तरीके का लेवल का भाई क्रिएट हो गया। मौसम बढ़िया तो सही है ना, गर्मी वगैरह तो नहीं लग रही ना। ये जो यार बाहर लोगों से आ रहा है ना भाई दिल्ली, उन लोगों को यार मजा आना चाहिए, अच्छी वाइब आनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं यार दिल्ली बेकार है, ऐसी है वैसी है, लेकिन यार ऐसा नहीं है। जब लोगों से पूछोगे तो भाई इन लोगों को मजा आएगा जरूर। चलो देखते हैं, मीनार को देखना है भाई, वो जितनी अच्छी दिख रही है ना यहाँ से नीचे से ऊपर भाई, जितनी अच्छी दिख रही है वो इतनी अच्छी है नहीं भाई, दिमाग खराब हो जाए ना तुम्हारा पड़ जाएगा। हाँ फालतू में पैसा नहीं खर्च करना। नदीम भाई नमाज पढ़ लेते हैं, असर की नमाज बिल्कुल रेडी है, ठीक है वजू बना लेते हैं, ठीक है नमाज वगैरह यार बिल्कुल रेडी है। लेकिन यार लोग यार और भाई लेडीज वगैरह भी यार अंदर है भाई, और ये फॉरनर्स वगैरह भी भाई अपना अलग ही तगड़े लेवल पे भाई घूम रहा है। ये देखो भाई क्या क्या ले लेके, पता नहीं क्या क्या बन बन के घूम रहा है यार, पता नहीं ये पता नहीं धोती वोती पहन के पता नहीं भाई क्या घूम रहा है यार ये। हेलो विच कंट्री आर यू फ्रॉम? अच्छा इसको भाई अपनी कंट्री नहीं पता भाई। अब भाई अलग ही तगड़े लेवल का यार सीन क्रिएट कर रखा है, धोती पता नहीं क्या क्या पहने हुए यार। यार ये यार भाई फॉरनर्स यार बड़े सीधे होते हैं यार, इन लोगों को भाई कुछ भी समझ नहीं आता यार, कुछ भी पहन लेना भाई। इस लड़की को देखो भाई सेल्फी वगैरह क्लिक करा रही है जैसे कि पता नहीं भाई कोई यार सेलिब्रिटी वगैरह हो, पता नहीं यार क्यों यार लोग ऐसा करते हैं। हेलो विच कंट्री आर यू फ्रॉम? यार इन लोगों को यार अपनी कंट्री ही नहीं पता, पता नहीं क्या है, या तो ये मेरी अंग्रेजी सही से समझ नहीं पा रहा है। आज यार बिल्कुल रेडी है, तो यार मुझे यार अपने जूते का यार थोड़ी परवाह हो रही है, तो यार यहाँ से यार शूज वगैरह गायब हो जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार कहाँ रखूँ इनको, अगर यार ये जूता गायब हो गया ना यार बड़ी परेशानी होने की, क्योंकि यार बड़ा महंगा जूता है यार मेरा ये। भाई यहाँ रख देता हूँ यार, अल्लाह की हिफाजत में छोड़ देता हूँ भाई अपना जूता यार। अरे नमाज बिल्कुल रेडी है यार, वुजू वगैरह बनाते हैं नमाज पढ़ते हैं भाई। यार वुजू खाने में से यार मैं वुजू नहीं कर रहा, मैं यार वहाँ नल से करूंगा, क्योंकि यार काफी गंदा हो रहा है यार, अंदर यार काफी कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, जो जितनी भी भीड़ वगैरह आई हुई है ना यार ये सारे यार कुछ ना कुछ फेंक देते हैं यार, बड़े ही बगैरत बड़े ही बदतमीज लोग हैं यार। मेरे को यार वहाँ जाना पड़ेगा यार वुजू करने के लिए। अब यार वुजू वगैरह मैंने कर लिया है, और यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो यार जामा मस्जिद आ रहे हैं तो यार वो लोगों ने यार मस्जिद को यार साफ सुथरा रखे हैं, और भाई यार हॉस्ट को भी यार साफ सुथरा रखे हैं यार, ऐसा गंदगी नहीं मचाया यार बिल्कुल भी। एक बार यार जूते को देख लेता हूँ भाई, ये जूता है भी या नहीं मेरा यार, कहीं गायब वायब हुआ। और ये देखो भाई यार यार मुस्लिम बनता फिर रहा है ये अंग्रेज। हेलो हाय विच कंट्री आर यू फ्रॉम? नहीं पता आपको कंट्री? हाँ आपको कंट्री नहीं पता? नेदरलैंड। अब आया ना लाइन पे, ये जूता रखा हुआ भाई
जूता रखा हुआ भाई, जूता रखा हुआ। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ये सारे यार फॉरनर्स वगैरह काहे के लिए मना कर रहे हैं, या तो मेरा कैमरा वगैरह देख के ऐसा मना कर रहे हैं कि भाई नहीं चलो यार नमाज पढ़ता हूँ फटाफट से। मस्जिद के अंदर यार औरतें भी नमाज अदा कर रही हैं यार, कुछ सीन समझ नहीं आ रहा है यार, पता नहीं क्या मसला है यार। लो यार ये मस्जिद में काहे को आ रहे हैं, उधर की साइड पे जगह दे रखी है, ये जितनी भी साइडें बना रखी हैं ये औरतों के लिए नमाज अदा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मस्जिद के अंदर बैठ के नमाज अदा करेंगे औरतें, कुछ सीन सपाटा समझ नहीं आ रहा यार मेरे को। उधर की साइड वहाँ भी जितना भी है ना उधर की साइड पढ़ने के लिए नमाज, हाँ तो सारे औरतें यहाँ पे क्यों नमाज पढ़ रही हैं? आप भी उधर जाइए देखिए, बीच में नियत बांध ली इन्होंने। ये यार कुछ यार सीन समझ नहीं आ रहा, बीच में नियत बांध रखी है औरतों का, मस्जिद में नमाज पढ़ना अलाउ नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या सीन चल रहा है। उधर की साइड सारी जगह है, आप उधर जाके पढ़िए यार। नमाज वगैरह से यार मैं बिल्कुल फारिग हो गया हूँ भाई, चलता हूँ यार फटाफट से यार अपने जूते के पास। भैया जूता उठाते हैं भाई, देखते हैं भाई है भी है नहीं। आजा भैया यार नमाज से तो मैं यार फारिग हो गए, लेकिन यार पता नहीं चल रहा यार ये लौंडे किधर चले गए, पता नहीं यार किधर है, ढूंढना पड़ेगा इनको बेचारों को दोबारा से। लेकिन यार मौसम यार बहुत तगड़ा लेवल का क्रिएट हो रहा भाई यहाँ पे। नदीम भाई चल रहे हैं यार कहीं, चल रहे हैं बाहर चलते हैं घूम फिर कर आते हैं, बताओ। यहाँ पे एक नया मॉल खुला है ओमेक शॉप, बढ़िया है चलते हैं वहाँ पे, बताओ क्या बनता प्लान लोगों का यार, घुमाओ यार मॉल घुमाता हूँ, बहुत बढ़िया मॉल बना हुआ है वो सही में। नहीं यार अपनी लाइफ में यार कभी सोचा नहीं था कि यार मेरा ईद का चौथा दिन यहाँ पे गुजरेगा भाई, इस तरीके के लेवल का भाई ईद का चौथा दिन यहाँ पर है, सारे लोग यार ईद मनाने आए हैं यहाँ पर। आज मैं रमजानों में यहाँ पे रोजा खोला था, उसके बाद यहाँ पे ईद वाले दिन आया हूँ, क्या बात है यार ईद का चौथा दिन है, संडे भी है इसकी वजह से और यहाँ पे और ज्यादा भीड़ है। तो भाई यार अभी यार हम लोग यार बाहर निकले अंदर, यार अंदर यार बहुत ज्यादा भीड़ है यार, काफी ज्यादा भाई था रश है, और अभी भाई लोग अंदर जा ही रहे हैं भाई, बहुत भीड़ है यार अंदर। भैया जाओ मैं इससे फ्री हो गया भाई, अपन लोग यार इनके भाई होटल आ गए हैं जहाँ पे यार ये लोग रुके हुए हैं, इन लोगों के साथ भाई ये अकेले नहीं है भाई, अभी यार दो चार लोग और हैं, जिन लोगों से यार मेरी लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी उन लोगों से भाई मैं मिल रहा हूँ यहाँ पे। चलिए नदीम भाई चलते हैं अंदर। सलाम वालेकुम, हाजी वसीम भाई क्या हाल है? अरे बढ़िया, क्या वो सोना है वे थे क्या? अरे यार तुम दिल्ली घूमना है, तुम सो रहा हो यार यहाँ पे बैठ गए यार। हाजी सब बढ़िया ना? आऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगा, फिर मिलूंगा आपसे वहाँ पे अजमेर में। अरे बस भाई क्या है यार थोड़ा बिजी हो गए थे, फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि बुलावा आता है वहाँ से, भाई ऐसे ही है भाई, वहाँ से बुलावा आया ही नहीं हमारा भी अभी तक। मेरा दोस्त जा रहा है अबू बकर नाम है उसका, आज ही निकल रहा है वो संडे को, अब वहीं जा रहा है दरगाह के पास ही रुकेगा वहीं पर ही। हाँ वहाँ पे तो रौनक बहुत है, जैसे कि यहाँ पे जामा मस्जिद पे रौनक है ना ऐसी वहाँ, और जामा मस्जिद से ज्यादा रौनक है वहाँ पर। तो भाई आप लोगों को बताऊं तो भाई ये भाई राजस्थान से आए हुए सारे लोग भाई यहाँ पे यार, इन लोगों से लास्ट टाइम मिला था मैं, यहाँ पे आए थे दिल्ली आए थे, इन लोगों से यार आज भाई फिर भाई मुलाकात हुई है दोबारा यार, बड़ा अच्छा लगा यार मिलके। ये भाई कल आए हुए थे तो यार मैं कल नानी के गए हुआ था, फिर वहां से यार रात को लेट वगैरह आया भाई, यार रमजान की भाई रूटीन बनी हुई है, रातों को नींद नहीं आती, सुबह 3-4 बजे सोकर उठ रहे हैं भाई अपना यार वही हाल है, रात को लेट सोया सुबह 3 बजे उठा, फिर भाई की कॉल देगी यार मैंने कहा चलो यार ऐसे चलते हैं, मुंह को धोया टॉप टी शर्ट में आ गए इन लोगों के पास मिलने के लिए। तुम यार वहाँ पे जाओ वेट पे नहीं है मैं तुम्हें, बस यहीं पर ही आ गया मिलने। मैंने कहा चलो यार वसीम भाई से लास्ट टाइम मिले थे, नदीम भाई से तो भाई यहाँ पे जाओ वेट पे मिल गया मैं, तो मैंने सोचा यार चलो यार रूम पे चलते हैं इनके भाई यहाँ पे यार ओम होटल पे रुके हैं भाई पारगंज पे, मैंने सोचा यार मिलते हैं यार। भाई ने गन्ने का रस वगैरह मंगाया यार, एक साथ एंजॉय। वो पिया है मोहब्बत का शरबत पिया उसका? हाँ पी लिया उसका। चलो यार कहीं बार बार चलते हैं तुम लोगों को पहाड़गंज घुमाऊंगा, यहाँ पे बड़े अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिलती हैं, आओ। क्या यार तुम लोग यार सोते पड़े हो, खड़े हो जल्दी फटाफट आओ चलते हैं घूमने पर। आओ वसीम भाई चलते हैं यार, तैयार शेयर हो चलते हैं यार। हाँ नदीम भाई आते हैं यार चलते हैं भाई, ये भाई यार सारे यार सोते पड़े हैं यार यहाँ पे, सुबह के थके हुए भाई इसलिए यार ये सो रहे हैं भाई यहाँ पे आके यार। एक भाई उधर रूम में भी है भाई, 3 दिन रूम ले रखे हैं, तो भाई यहाँ पे 3 दिन रूम ले रखे हैं भाई, लेकिन भाई सारे पड़े हुए एक ही में ही है भाई, यही होता है यार, लेना पड़ता है यार जब यार कहीं आते हैं ना तो यार रूम वगैरह लेने पड़ते हैं। भाई कह रहे हैं यार मकराना आना, भाई आऊंगा यार इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगा मकराना, माइंस वगैरह से रिलेटेड कह रहे हैं भाई, वहाँ पे यार काफी ऐसी चीजें हैं भाई, ये यार प्योर भाई वहीं के रहने वाले हैं मकराना के, और काफी बढ़िया इन लोगों का भाई सारा यार माइंस वगैरह काम है, मार्वल्स के लिए जाना जाता है यार मकराना, इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊंगा यार मैं तुम लोगों से मिलने वहाँ पे। मैंने लोग यार लास्ट टाइम बोला था जब भी यहाँ पे आए थे यार वसीम भाई आए थे, मैंने उनको बोला था यार मैं आऊंगा, लेकिन यार ये कह रहे हैं यार तुम आए नहीं गलत बात है, मैंने कहा यार अब जरूर आऊंगा तुम्हारे पास मिलने के लिए, अजमेर वगैरह आना हुआ ना मैं 100% तुम्हारे पास आऊंगा। अच्छा अजमेर के पास में ही है? गांव के टच के अंदर ही है। अच्छा कितनी देर का रास्ता अजमेर से? डेढ़ घंटे का रास्ता।
रास्ता। अच्छा, उतनी देर घंटे का रास्ता मकराना से अजमेर शरीफ का। अच्छा जी, चलो यार इंशाल्लाह जरूर आऊंगा आपके अजमेर। जयपुर भी घूमना है यार मेरे को, जयपुर वगैरह। दिल्ली से भी अच्छा होगा, दिल्ली तो भाई, जयपुर की तो भाई अलग ही बात है भाई, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं भाई, अलग ही यार जयपुर का लेवल है। हाँ दिल्ली भी कम नहीं है यार, दिल वालों की वो कहते हैं ना, यहाँ वालों को कदर नहीं होती, ऐसे ही है हम लोग, वो कदर नहीं है दिल्ली की। आप लोग आए हो, आप लोग घूम रहे हो भाई। ये यार आप लोगों को बताऊं तो भाई, ये यार भाई घुमंतू चारा भाई, भाई कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। अभी यार बम्बई से आए, ये गोवा से आए, भाई बहुत सारी जगह घूमते हैं भाई ये। भाई मुझे कह रहा है यार वसीम भाई की यार तुम यार असली व्लॉगर नहीं हो, तुम तो यार दिल्ली दिल्ली में रह गए, बाहर निकलो यार जरा घूमो फिरो। कह रहा भाई हम व्लॉगर नहीं है, कभी यहाँ घूमते कहीं वहाँ घूमते, तुम यार खावा मिली में यार तुम व्लॉगर बन गए। सबसे पहले ना अब मैं निकलूंगा ना दिल्ली से बाहर, मैं मकरानी के लिए निकलूंगा। जाओ, मैंने कह दिया व्लॉग में, कह दिया मकराना ही आऊंगा तुम लोगों के पास 100%। ये वादा हमजा खान व्लॉग्स का वादा कि मकराना आना है मेरे को, डायरेक्ट मकराने में यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा, डायरेक्ट मकराना हूँ मैं, बस लो बात खत्म, फिर साथ घूमेंगे वहाँ पे अजमेर शरीफ का इंशाल्लाह। तीसरा जयपुर, सब जगह घूमेंगे। हाँ तीन व्लॉग तो पक्के हैं भाई, अभी से भाई प्लानिंग चल रही है व्लॉगिंग की, भाई तीन चार व्लॉग तुम्हारे पक्के हैं भाई। यार इन भाइयों को यार प्लान बन रहा है, कह रहा है भाई मेरे को यार ओमेक्स मॉल घुमा दो भाई। ये कह रहा है यार जो तुमने भाई यहाँ पे तुम्हारी फ्रेंड मिली थी ना, जहाँ पे तुम्हारी फ्रेंड मिली थी वही वाले मॉल ले चलो। मैंने कहा चलते हैं यार ओमेक्स मॉल है वहाँ पे। तो भाई ये पूछ रहे हैं मेरे से भाई, वो यार रियल था क्या था, क्या पूछ रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं पहले। अच्छा 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 भाई, ये कह रहा है भाई बहुत सारे यूट्यूबर यार ऐसी हरकतें करते हैं। देखो भाई मेरा यार बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था भाई, काफी सारे कमेंट में भी कह रहे थे कि भाई ये यार स्क्रिप्टेड था भाई, ये तुमने नाटक करा है करा वगैरह। देखो भाई यार नाटक बिल्कुल नहीं था भाई, जो करा था यार वो बिल्कुल रियल था। वो यार इत्तेफाक से वहां में मिल गई थी। ये भाई भी यार अपन लोगों से पूछ रहा भाई तुम्हारी जो फ्रेंड मिली थी। अरे नहीं 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 नहीं, वो मेरे को अचानक से वहां पे मिल गई थी भाई। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई तुमने यार स्क्रिप्टेड करा। नहीं यार देखो भाई यार ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था, अचानक से मिली थी मेरे को। चलो यार ओमेक्स चलते हैं वहां पे, आप लोगों को घुमा यहाँ पे यार भाई, सब लोग भाई रेडी शेडी हैं। अब यार चलते हैं यार चांदनी चौक ओमेक्स मॉल के लिए। तो भाई यार वहां से निकल के अपन लोग पहुंच गए हैं यार ओमेक्स चौक, और भाई इन लोगों को यार ओमेक्स शॉट दिखाने के लिए लेकर आया हूँ यार मैं। ये देखो भाई किस तरीके का लेवल है। और भाई ईद का सीजन चल रहा है, तो भाई दिल्ली में तो यार पूरे एक हफ्ते तक ईद बनती है, तो भाई यार चौथा दिन है और संडे भी है, तो काफी सारे लोग यार ईद मनाने यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है यार यहाँ पे आज। ये ओमेक्स चौकिंग यहाँ के बिल्कुल एंट्री है, जस्ट यहाँ से मॉल आया हूँ, वो भी कैसे गंदे उलिये में उठकर, सिर्फ मुंह धोकर आया हूँ मैं। ओमेक्स चौक का ब्लॉग मैंने यार अलग से बना रखा है, आप लोग यार जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी बढ़िया करके। सारे लोग यही बड़े बड़े हैं भाई यहाँ पे। यहाँ पे यार प्रोग्राम यार काफी बढ़िया कर रखा है यार ओमेक्स चौक वालों ने भाई, अलग ही तगड़े लेवल का। अभी एक सेकंड यार आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो भाई क्या तो लेवल है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई यहाँ पे यार भांगड़ा वगड़ा चल रहा। भैया क्या लगता है भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे भैया कुछ गाना साना बजाओ यार। भाई लेवल यार सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे भाई, भीड़ आने स्टार्ट हो रही है वहां से भाई। ये सारे पंजाबियों का लुक दे रखा है यार इन लोगों को, अजीब भांगड़ा करके दिखा दो भाई। तो यार वसीम भाई मैं जा रहा हूँ यार, ठीक है मैं जा रहा हूँ यार, मेरे को यार जाना पड़ेगा कहीं यार, ठीक है नदीम भाई आप लोग घूमो अच्छे से, ठीक है मुझे जाना पड़ेगा यार, मेरे को दावत वगैरह ईद का सीजन चल रहा है। बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों से मिलके, कल मिलता हूँ ठीक है सबको, टाटा भाई को बोल के यार मैं जा रहा हूँ यार अब घर, क्योंकि यार घर से यार बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं यार, मुझे जाना है यार कहीं, निकलते हैं यार फटाफट से यहाँ से। हाय हाँ तो भाई यार उन लोगों को यार मैं छोड़कर आ गए क्योंकि यार मेरे को यार कहीं जाना है। तो सर यार मैं यही ब्लॉग को एंड करता हूँ, आप लोगों से लगा कमेंट में जरूर बताना, और बाकी मिलता हूँ यार मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए।